मैं हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी और अब बारी है नंबर 7 की। जो लोग 7, 16 या 25 को जन्मे हैं और कुछ कैंसरियंस भी, क्योंकि 7 एंड कैंसरियंस थोड़े सिमिलर होते हैं, 2 एंड 7 भी थोड़े सिमिलर होते हैं, तो आप लोगों के लिए कैसा जाएगा ये साल अब हम बात करेंगे। पिछला साल आपके लिए काफ़ी न्यूट्रल रहा है, लेकिन इस साल आपके लिए खास हो सकता है अगर आप अपने सैडनेस और डिप्रेशन से बाहर आते हैं। इस साल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए, लोनली रहने में कुछ मज़ा नहीं है और ये बात आप जानते हो। तो थोड़ा फ्री होइए, थोड़ा लोगों के साथ अपने मन की बातें शेयर कीजिए, बिकॉज यू रियली नीड सम गुड फ्रेंड्स। आई नो गुड फ्रेंड्स आर नॉट ईजी टू कम, सो मेक श्योर योर फ्रेंड्स आर ऑफ द सेम नंबर्स दैट गवर्न यू। मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं अपने कंपैटिबिलिटी के लिए, फिर से आपको याद दिला देती हूँ, आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे 1, 2, 4 एंड 7। मुझे पता है आपको ऐसे नेचर में रहना पसंद है और आपका बस चले तो आप सिर्फ ट्रैवल करो। ट्रैवलिंग इज समथिंग यू क्रेव और ये साल आप अपना पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, नॉट इन $80, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। दिस ईयर कुड टर्न आउट टू बी लिटिल मोर एक्सपेंसिव, थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे। और खर्चों से क्यों डरते हो? जैसे ऑक्सीजन आता है वैसे पैसे आएंगे। अगर आपने पैसों को ऑक्सीजन से ज़्यादा महत्व दिया तो वो आपके कभी वापस नहीं आता है, लेकिन ऑक्सीजन पे जैसे आपको भरोसा है आपको मिलता रहेगा। इस साल कई लोगों ने ऑक्सीजन टैंक्स पे निकाले हैं 2020 और फिर भी वो जिंदा हैं, इतनी ऑक्सीजन है अभी तक दुनिया में हम सबका ख्याल रखने के लिए। सो मेक श्योर यू डू नॉट गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू मनी एंड हैव अ गुड लाइफ दिस ईयर। लाइफ इज नॉट अबाउट वरीज, स्ट्रेस, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इन सबके लिए हम लोग नए जन्मे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, उनका मुंह, उनकी मर्जी, उनके शब्द। आपको ध्यान रखना है इस साल मर्क्यूरी से सीखो, हर नंबर को दूसरे नंबरों से कुछ सीखना चाहिए। जस्ट बिकॉज हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर के हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम वैसा नहीं बन सकते हैं। हम इंसान हैं, अगर हम चांद पे जा सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मर्क्यूरी से आपको ये सीखना है बिंदास एटीट्यूड, जो थोड़ा आपके लिए मुश्किल है। छोटी छोटी बातों से निकलोगे तभी तो बड़े बनोगे ना। कोई भी अगर आपके कोर्ट केस या ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं, उन सबका हल आपको ये साल मिलने वाला है। फाइनेंशियली यू विल डू वेरी वेल, नथिंग टू वरी। लेकिन जैसे मैंने कहा, थोड़े एक्सपेंसिव साल है, फाइनेंस आएंगे तो जाएंगे। लक्ष्मी माता को किसने कंट्रोल किया है वैसे भी आज तक, तो अगर पैसा आ रहा है तो उसको तो जाने दीजिए, अगर जाएगा तभी तो दूसरा पैसा आएगा। अगर आपके कबर्ड्स भरे हुए हैं पैसों से तो लक्ष्मी माता क्यों आएगी आपके पास? सो रोलिंग चालू रखिए। रिलेशनशिप में भी आपको काफ़ी अच्छा जाएगा ये साल, क्योंकि इस साल सब लोग इतना बिजी होने वाले हैं अपने अपने लाइफ में कि उनको पता ही नहीं चलेगा आप कौन से मूड में हैं। तो अपने मूडीनेस से बाहर आइए। और हमेशा मैं 7 के लिए कहती हूँ, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ एक साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। पैंडमिक में आपने बहुत लोगों की बहुत मदद की, यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ ह्यूज हार्ट। लेकिन जो मैंने नंबर 2 लोगों के लिए बोला, आपको भी कहूँगी, कभी कभी सेल्फिश होना सीखिए। ये साल अपने बारे में भी सीखिए, क्योंकि अगर आप खुश हो तभी तो आप दूसरों को खुश रख सकोगे ना। 7 नंबर के लोग टैलेंट का भंडार होते हैं। एकता कपूर, राम गोपाल वर्मा, महेश भूपति, सैफ अली खान, करण जौहर, ये सब लोग अगर अपना टैलेंट अंदर ही दबा के रखते तो इतना सब दुनिया को कैसे मिलता। शाहिद कपूर को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अनदर नंबर 7। सो 7 नंबर के लोगों के लिए इस साल अपने टैलेंट्स को बाहर लाने का बेस्ट टाइम है। आप पेंटिंग करते हो, कुकिंग करते हो, सिंगिंग करते हो, जो भी आप करते हो, और मुझे पता है आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, उन सब को बाहर लाइए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ब्यूटी पार्लर्स, ये साल उन सब के लिए गजब है। एंड मोस्ट नंबर 7 पीपल ऑल्सो आर इन अदर साइंसेज लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सब में भी आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप उस तरफ जा रहे हो। सो इन शॉर्ट, नंबर 7 आप लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है एंड यू शुड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपके लकी मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर।
इस साल एक्सट्रीम गर्मी होने वाली है, इसीलिए मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हूँ इससे निपटने की. सो ज्यादा करके मैं आउटडोर शूटिंग हम लोग करते नहीं है, इस साल सोचा देख लेते हैं और प्रैक्टिस भी हो जाएगी. तो अब बारी है नंबर 8 के लोगों की. जो लोग 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं, या जो लोग कैप्रिकॉर्न हैं, एक्वेरियंस हैं, लिब्रा हैं एंड थोड़ा सा टॉरिन को भी नंबर 8 रूल करता है, 8 नंबर के लिए ये खास साल रहेगा. बिकॉज शनि भगवान का खास होते हैं बुध. मैंने आपको कहा है कि 1, 3, 5 एंड 6 ये प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे होते हैं. ये नंबर्स एक दूसरे का साथ देते हैं. सो जो भी तकलीफें आपने लास्ट ईयर सही है, हमने तो आपको ऑलरेडी कह दिया था 2019 में कि आपके लिए अच्छा साल नहीं होगा, वैसे ही इस साल आपको कह देते हैं कि ये साल आपके लिए खास होगा. आपके सब बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, चाहे आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं. जी हाँ, नंबर 8 बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है या तो फिर कुछ नहीं कर पाता है. सो जो भी आपने बड़े बड़े प्लान्स किए हैं जिंदगी में, वो सब आप पूरे कर सकते हो इन कमिंग 2 ईयर्स में. आपके लिए गुड न्यूज़ है, सिर्फ 2021 आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए 2022 भी बहुत अच्छा है. सो हैव अ ग्रेट टाइम. ये साल से यूथफुल रहना सीखिए. बहुत सीरियस लेते हो, बहुत अपने आप को आप सीरियसली लेते हो, इस दुनिया को सीरियसली लेते हो और बहुत गंभीर स्वभाव के हो. इस साल गंभीर स्वभाव के मत बनिए. इस साल आप थोड़ा केयर फ्री हो जाइए. और जैसे मैं सब लोगों को कहती हूँ, ये साल हंसी मजाक का है, बिजनेस का है, प्रोग्रेस का है, कम्युनिकेशन का है, ट्रैवल का है, वैसे ही आपको मैं यूथफुल रहने की टिप दूंगी. मैं चाहूंगी कि इस मर्क्यूरी के साल से आप सीखें, जाने भी दो यारों, ये आपके लिए टिप है. हार्ड वर्क से तो आपने काफी कुछ हासिल कर लिया, इस साल आप देखोगे कि लक क्या चीज होती है. जी हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन थोड़ा तो लोगों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, गुड लक एंड हम लोगों के कर्मा. नंबर 8 तो कर्मा का ही प्लैनेट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे. लेकिन इस साल आप ये सीखोगे कि हाँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये डेस्टिनी भी कोई चीज़ है. अच्छे वक्त आने की भी ज़रूरत है, और आपका अच्छा वक्त ये अगले 2 साल हैं. तो जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं वो पूरे करने की कोशिश कीजिए, और जो आपको पता भी नहीं है ना, वो वैसे वैसे काम आपके होते रहेंगे. हर चीज़ आके आपके गोद में गिर सकती है, लेकिन अगर आपने साल भर काला कपड़ा पहना ना, तो कुछ नहीं होगा. मेक श्योर आप लाइट कलर्स पहनते हो, स्पेशली ब्लू, वो तो आपको पता ही है. लेकिन हर वीडियो में मैं आपको रिमाइंडर दूंगी कि ये साल मेटालिक कलर्स का मौसम है. इस साल आपको मेटालिक कलर्स जैसे सिल्वर या कोई ना कोई शाइनी आइटम्स पहनना है अलोंग विद ब्लू. तो नंबर 8 लोगों को ये भी ज़रूरी है कि हर सैटरडे जाइए आप हनुमान जी के टेम्पल, ताकि शनि का बल थोड़ा कम हो जाए, बुध का बढ़ जाए. एमरल्ड अगेन ऐसा एक स्टोन है जो आप सब लोग पहन सकते हो, चाहे आपका बर्थडे कुछ भी हो. इस साल एमरल्ड आप लोगों को खास काम देगा. ये साल नंबर 8 के लोग अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ी एक्सरसाइज रूटीन पालेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे या कोई ना कोई तरीके से अपना हेल्थ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज नंबर 5 के लोग टिप टॉप रहना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, दे डोंट लाइक टू एज एंड दे डोंट लुक ओल्ड. तो ये साल आप ध्यान देंगे कि मैं भी हट्टा कट्टा रहूं, यंग रहूं, एंड सम और द अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप जरूर स्टार्ट करेंगे. जितने लोग बाहर जाना चाहते हैं, और मुझे लगता है सभी लोग जाना चाहते हैं, वो लोगों को ये साल ज्यादा अवसर मिलेंगे फॉरेन कंट्री जाने के लिए, चाहे पढ़ाई है चाहे जॉब है. आप बाहर जाके काफी नाम कमा सकते हो, और आप में से कई लोग होम बाउंड होते हैं. नंबर 8 पीपल प्रिफर टू बी वेयर दे आर, सो डोंट वरी, आप जहाँ रहोगे वहाँ भी डॉलर्स के जितना कमा सकते हो. स्पेशली अगर आपने स्पेलिंग चेंज की और अपने स्पेलिंग का पावर भी यूज किया, उसके लिए आपको जुमानिफाइड बनना पड़ेगा. वो होते ही आप देखोगे कि जहाँ आप बैठे हो हर चीज आप तक खिंची चली आती है. ये साल आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है. कुछ नंबर 8 के लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो ये साल आप वो सब लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं,
उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए और कॉन्फिडेंस लेवल्स को हाई करने के लिए. सम ऑफ द फेमस नंबर 8 पीपल आर नरेंद्र मोदी जी, मनमोहन सिंह, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, सौरभ गांगुली, शिल्पा शेट्टी, डिंपल कपाड़िया, मदर टेरेसा, जॉन अब्राहम एंड गौरी खान. हाउ कैन आई फॉरगेट माय फेवरेट आशा भोसले जी. नंबर 8 के लकी मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मई, सितंबर एंड अक्टूबर. अब बारी है 9 के बारे में. इसीलिए आपने देखा ना मैंने कितनी मुश्किल के साथ यहाँ पहुंची हूँ आप लोगों को एक अच्छा व्यू देने के लिए. नौ, 18 या 27 आपका जन्मदिन है, या तो अगर आप एरीज या स्कॉर्पियो है तो आपको रूल करता है नंबर 9 यानी मंगल. नंबर 5 यानी बुध यानी मर्क्यूरी का मंगल के साथ कुछ पंगा रहता है, तो ये साल आपके बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं. लेकिन हाँ, कुछ खास रुकावटें भी नहीं आएंगी क्योंकि मंगल मर्क्यूरी के लिए ज्यादा खराब होता है, नंबर 5-9 के लिए खराब नहीं होता है. This year you may not really achieve the things you want to, but it is going to be an ordinary year. Sab routine mein chalega. Is saal aapki dadagiri nahi chalegi. Is saal aapko Mercury se sikhna hai kaise diplomatic hona hai aur sabki baatein sunni hai. Mercury sabki baatein sunte hain, karte apne man marzi hai. Aapke jaise frankly nahi bol dete hain ki main ye kaam nahi karunga. Is saal thodi logon ki suno. Sunne mein kya jata hai? Karo apne man marzi ki. आपके लिए अगला साल इससे बहुत अच्छा जाने वाला है, तो इस साल आपने जो जो बीज बोए हैं उसका फल आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा. सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू. दिस ईयर जस्ट हैव अ लो की अफेयर. मर्क्यूरी एक फास्ट प्लैनेट है, जितनी तेजी से शुरू हुआ है उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगा आपके लिए. सो डोंट वरी, दिस ईयर टू शैल पास. वैसे भी पैंडमिक में तो आपने ये तो सीख लिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं. अगर एक नंबर 9 घर के अंदर कन्फाइन रह सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता है. ये साल नंबर 9 एक्टर्स अच्छा कर सकेंगे क्योंकि मीडिया का साल है, एंटरटेनमेंट का साल है. बिजनेसमैन जो है नंबर 9 के वो भी बहुत अच्छा कर सकेंगे, और खास करके जो लोग फिटनेस में हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, वो लोग बहुत अच्छा कर सकेंगे. यहाँ मैं फिर से अपॉर्चुनिटी लूंगी नंबर 9 के लोगों को दो चीजें बोलने के लिए. एक है कि आप डेली एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन कीजिए. दूसरी, अगर आप छोटे हो या आपके घर में छोटे नंबर 9 बच्चे हैं तो उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स के फील्ड में डाल दीजिए. बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, लेह लद्दाख में बाइक चलाना, ट्रैकिंग, ये सब चीज़ों से आपको बेहद खुशी मिलेगी और आप उसके लिए बने हुए हैं. मैं नहीं बनी हुई हूँ बंजी जंपिंग करने के लिए, तो अगर आप बने हुए हैं तो आपको वो काम करना चाहिए. मनी वाइज ठीक ठाक रहेगा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा लेकिन ठीक ठाक रहेगा. वो प्रमोशन, वो अथॉरिटेटिव या पावरफुल जॉब जो आप ढूंढ रहे हैं जिसमें आप लोगों के ऊपर राज कर सको, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको 2022 तक का. और अगर आपकी शादी पाइपलाइन में है तो मैं एडवाइस करूंगी एक साल और रुक जाइए और 2022 में ही शादी कीजिए. अगर आप लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं तो भी हो सकता है तो 22 में प्लान कीजिए. ये साल भी बच्चों के लिए वैसे बहुत अच्छा साल है. आपको हर चीज़ डिसिप्लिन अच्छी लगती है, हर चीज़ आप प्लान करके करते हैं, हर चीज़ आप मेटिकुलसली सब कुछ जॉट डाउन करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है. इस साल ऐसा कुछ नहीं होगा. इस साल आपको साल के साथ जाना पड़ेगा. जहां ये साल आपको दौड़ाता है आपको भागना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आपकी थोड़ी कम चलेगी. इस साल से आपको ये सीखना चाहिए कि कैसे आप डिप्लोमेटिक बन सकते हो और मीठी मीठी बातें कर सकते हो. यू नीड इट बैडली. मनी वाइज मैंने आपको बोला ठीक ठाक रहेगा, बिजनेसेस आपके फ्लरिश होंगे. आपको बहुत डार्क कलर्स का शौक है, इस साल सिर्फ आप नहीं सब लोगों को थोड़े हल्के फुल्के पेस्टल शेड्स पहनने चाहिए. सो इफ यू लाइक रेड, शिफ्ट टू पिंक. इफ यू लाइक पिंक तो और भी एक दो शेड्स उसको सोबर कर दीजिए. एंड ट्राई नॉट टू यूज ब्लैक एंड रेड एज मच एज पॉसिबल. दो हम लोग नंबर 9 को रेड रिकमेंड करते हैं, थोड़ा सा नॉट मच, तो इस साल आप वो भी अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा.
बाकी आपको 24 का पावर पता है और ब्लू कलर का मैजिक पता है, वो तो हर साल आपको यूज करना ही है. सम ऑफ द फेमस नंबर 9 पर्सनालिटीज आर सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, गुलजार साहब जो इतने अच्छे राइटर हैं. नंबर 9 आर अमेजिंग राइटर्स. तो अगर आप में से कोई लेखक हो तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड राइटिंग के लिए ये एक खास साल है. सोनम के आहूजा एंड शत्रुघ्न सिन्हा, ये भी दोनों नंबर 9 के हैं. आप लोगों के लिए ये साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर बहुत अच्छा रहेगा.